दोस्तों कैसे हो आप सब। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आइए आज की इस ब्लॉग में मैं अपने परिवार वालों को मिलाने वाली हूँ कि हम लोग घर में क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, सबको दिखाने वाली हूँ। का हमारा ब्लॉग यहीं से चालू करते हैं दोस्तों। फिलहाल तो सबसे पहले हम तो तैयार हो जाते हैं और उसके बाद ही सब काम करने लगते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तैयार हो जाते हैं और उसके बाद ही जो घर में हमारा जो भी काम है वो सब हम काम करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल आप लोग बगल बगल में देखिए, हमारा खाट भी है और ये इधर देखिए आप, कई तरह के पेड़ भी हमारे घर में हैं। और इधर देखिए हमारा जो घर भी है, अभी प्लास्टर भी नहीं हुआ है दोस्तों। और कई प्रकार की चीज़ें भी आप लोग को हमारे घर के आसपास में मिल जाएगी। और फिलहाल हम लोग को तैयार होने में तो बहुत ही लेट लगने वाला है और इसी में हमारा टाइम भी निकल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग आप लोगों को बता दें कि फ़िलहाल आसपास की जगह को भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद ही देखें तो आम पेड़ भी हमारे पास और कई प्रकार की ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे यहीं घर में मिलती है दोस्तों। तो फिलहाल आप लोग को दिखा देते हैं कि ये देखिए, भगवान भी रहते हैं हमारे घर में और हमारे में पपीता पेड़ भी हुए दोस्तों, लेकिन ऊपर तो नहीं दिखाए हूँ आप लोगों को। तो फिलहाल देख लीजिए, कई सारे ढेर सारे बहुत ही गंदे पड़े हुए हैं हमारे घर में। तो फिलहाल इसे साफ़ आप भी करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसी का आप लोग को एक ब्लॉग भी दिखा देंगे। हमारा काम भी अभी बहुत सारा बचा हुआ है, फिलहाल तक शाम तक हमारा काम भी अभी हो जाएगा। तो आप लोग को एक एक करके हमारा ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि फ़िलहाल हमारा काम कितना होता है और कितना हार्ड वर्क काम होता है। तो आप लोग को मैं किसी भी मेरे वीडियो में नहीं दिखाया हूँ, जो जो दिखाया हूँ एक एक करके दिखाया हूँ दोस्तों। तो इसमें आप लोग को पूरा ब्लॉग दिखाऊँगा और पूरा काम और पूरा वर्क दिखाऊँगा दोस्तों। तो फिलहाल आप लोग देखिए, हमारे इस वीडियो में बने रहिए, हमारे ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए दोस्तों। तो फिलहाल आप लोग को दिखाऊंगा मैं। तो देखिए दोस्तों, कई सारे बगल में ऐसे पड़े हुए हैं। तो हमारा यहाँ का काम तो ख़त्म हो चुका है, फिलहाल हमारे यहाँ से काम स्टार्ट होने वाला है। तो काम स्टार्ट हो चुका है, फिलहाल हम लोग किचन वर्क के लिए अभी काम करना चालू कर दिए हैं। आप लोग देख रहे होंगे एक बच्चे को दोस्तों, मैं कई सारे वीडियो में आप देख चुके होंगे। तो ये देखिए, हमारा अभी काम चालू हो रहा है। और इधर जो बना हुआ मच्छी आज बनेगा दोस्तों हमारे घर में। और फिलहाल इधर देखिए, बच्चे तो बहुत खेलने खालने में लगा है दोस्तों। और इधर देखिए, जो मच्छी हम लोग बनाएंगे उसके लिए हम लोग ये पेस्ट बना रहे हैं, मिर्ची और भी कुछ भी मिला हुआ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। और इधर देखिए, और बगल बगल में आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए छोटा छोटा मच्छी है दोस्तों। इसे हम लोग को रात में इसको खाएँगे हम लोग। तो फिलहाल एक अच्छी बनाना है हम लोग को। तो फिलहाल हम लोग को चींटी काट दिया है, फिलहाल आप लोग दिखा देते हैं चींटी कौन सा वाला चींटी है। तो नज़दीक से दिखा देते हैं आप लोग को, ये देखिए दोस्तों। तो फिलहाल देखिए, छोटा चींटी है और बहुत ही काटता है ये। तो हम लोग इधर से ही अब अपना काम चालू करेंगे। तो फिलहाल देखिए, आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर लहसुन भी है, मिर्ची है और मसाला भी है। तो इसी में हम लोग को एक पेस्ट बनाना है और हम लोग मच्छी को बनाना है और रात को खाना है दोस्तों। तो फिलहाल हम लोग आसपास में भी आप लोग को कुछ दिख रहा होगा दोस्तों, तो वही हम लोग थोड़ा सा साग सब्जी भी लगा लेते हैं यहीं घर में, क्योंकि हमारा खाने का लायक भी हो जाता है। फिलहाल देखिए, हमारे उधरी तरफ आप लोग को दिख रहा होगा बगल में साइड में, तो वो आप लोग को मच्छी साफ करते हुए दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये मम्मी जी हैं हमारे। उसके बाद हमारा पेस्ट बहुत ही टाइम लेगा। और ये देखिए, ये तो बहुत ही खेल रहा है दोस्तों, ये सबसे हमारे परिवार से सबसे छोटा है। और ये पेस्ट तो थोड़ा सा बनने के लिए बाकी है, तो इस पेस्ट को आप लोग दिखा देते हैं कि ये पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा दोस्तों मच्छी में। और देखिए हमारा इधर ये क्या क्या चीज़ है, आप लोग को सबको घुमा घुमा के दिखा रहे हैं। तो देखिए, हमारा पेस्ट भी बनना थोड़ा बाकी है। और इधर ही और दिखा देते हैं, तो थोड़ा सा ये देखिए, तो इधर कुछ साग सब्जी भी लगाए हैं दोस्तों। और इधर देखें तो थोड़ा सा बचा हुआ है और इसका खेलने का काम भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, कितना बार खेलेगा ये पता नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा पेस्ट भी अब ख़त्म होने वाला है और फिलहाल हम लोग घर की ओर भी चल पड़ेंगे। और एक आग बार पेस्ट को थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं और उसके बाद ही हमारे इसी का काम भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा मच्छी की ओर जाएंगे। तो दोस्तों, तो मच्छी हमारा अभी साफ नहीं हो चुका होगा, फिलहाल आप लोग को थोड़ा सा दिखाएँगे भी।
और बताएंगे भी दोस्तों। तो फिलहाल अभी हम दिखा नहीं सकते, इधर पेस्ट की ओर थोड़ा दिखा देते हैं और इसके बाद ही आप लोगों को दिखाएंगे कि मच्छी हमारा कैसा दिखेगा और साफ़ करने में कैसा दिखता है दोस्तों। तो फिलहाल थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये देखिए हमारा छोटा छोटा मच्छी भी बनने वाली है, तो इसे खाने में बहुत ही मज़ा आएगा रात को। ये देखिए हमारा पेस्ट भी अब ख़त्म होने वाला है दोस्तों, तो इधर ही दिखा देते हैं। इसका काम तो अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ये पता नहीं ये क्या खेल रहा है पता नहीं दोस्तों ये क्या क्या खेलने वाला है। तो इधर देखिए दोस्तों हमारा पेस्ट भी अब ख़त्म हो चुका है, फिलहाल अब रेडी हो चुका है और हमारा रात का खाना भी बनने वाला है दोस्तों। तो शाम होते होते आ चुका है दोस्तों, हमारा ब्लॉग भी ख़त्म होने वाला है फिलहाल। तो अभी तो बहुत टाइम बचा है, लगभग एक आध घंटा, उसके बाद ही शाम हो जाएगा। ये देखिए हमारा मच्छी भी बहुत ही अच्छा खासा बन चुका है और आसपास में आप लोगों को दिख रहा है कि ये देखिए ये हमारा भाई है और इसके बाद ही हमारे ये पेस्ट वाला काम भी ख़त्म हो चुका है और इसके बाद ही ये बच्ची का तो काम ख़त्म नहीं हो रहा है बेबी डॉल। ये देखिए फिर से हमारा काम तो यहीं पर बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, तो हम उसमें हमारा दूसरा काम भी हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग चावल भी लगाने वाले हैं, तो चावल को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद ही आसपास की कई चीज़ों को भी आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं। तो देखिए ये दूसरे काम में लग चुका है, पता नहीं क्या काम कर रहा है ये। ये देखिए अभी पानी खेल रहा है और इधर देखिए हमारा मच्छी का भी अंतिम रोल ख़त्म होने वाला है दोस्तों इसका भी। अब हमारा चावल साफ़ करने का जो सिलसिला चल रहा है दोस्तों, तो देखते हैं थोड़ा चावल साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है दोस्तों। तो फिलहाल अब हम लोग दूसरी की ओर देखते हैं तो क्या होने वाला है, दिखाई देता है। ये देखिए दोस्तों, तो फिलहाल हमारा काम ये देखिए हमारा घर पर जो पेड़ है वही आमा है दोस्तों, तो आप लोगों को दिखा दें ऊपर। तो हमारा ये वाला काम भी ख़त्म हो चुका है मछली साफ़ करने का, तो देखिए हमारा दोनों काम ख़त्म हो चुका है, चावल भी साफ़ करने का, तो ये काम ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग को दिखाते हैं कि और एक काम बचा है हमारे यहाँ। तो फिलहाल देख लीजिए कि हमारा जो भी कपड़ा वपड़ा है सुखाते रहते हैं, नहा वहाँ के जो सुखाते रहते हैं वही काम बचा है फिलहाल, तो उसी को हम लोग को अच्छा अच्छा करके रखना है और घर पर रख देना है उसे। ये देखिए हमारे आसपास में कितना गंदा पड़ा हुआ है और इधर हम लोग साग सब्जी लगाते हैं, हमारा ट्यूबवेल भी है और यहीं पर देखो हमारा खाड़ भी बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है, गांव में ऐसे छी पड़ा हुआ होता है। ये देखिए थोड़ा छबे भी नहीं हुआ है दोस्तों, फिलहाल देख लीजिए हमारे ये तो काम बहुत ही लेट रहेगा, तो हमारे पास बहुत ही कपड़ा बचा हुआ है तो इसको साइड साइड में करने में हम लोग को बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए, इस वीडियो में बने रहिए। अगर ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये देखिए बहुत ही टाइम ले रहा है हमारा ये काम करने में, तो फिलहाल हमारा ब्लॉग ही ऐसे है। आप लोग को ये ब्लॉग ऐसे ही ब्लॉग अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ हम लोग ऐसे ही ब्लॉग बना देंगे आपके लिए फिर से, तो कमेंट सेक्शन पर बता दीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों उधर से ही काम चल रहा है फिलहाल, सिलसिला तो अभी जारी है अपना। अभी हम लोग एक साड़ी को, जैसे आप लोग देखेंगे हमारे कई ब्लॉग में ये साड़ी को पहनते हुए, तो ये सबसे बेस्ट साड़ी है, कमेंट में बहुत सारे कमेंट किए थे दोस्तों कि ये साड़ी बहुत अच्छा है, तो इसी में हम लोग को ये भी अच्छा लगता है ये साड़ी। ये देखिए ऊपर की ओर देखें तो पपीता पेड़ है और आप लोग को साइड में दिख रहा होगा तो आंवला पेड़ है दोस्तों वो। ये देखिए यहीं का काम ये भी ख़त्म हो चुका है, अब शाम होने को है दोस्तों, तो हमारे ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग करिए, बाय बाय।